नमस्कार कशिश, नमस्कार। डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, मैं राहुल ओझा आपके साथ। स्वास्थ्य विभाग लगातार यह कोशिश कर रहा है कि जो अवैध तरीके से जो नर्सिंग होम चलाए जा रहे हैं उन पर नकेल कसा जा सके, और इसको लेकर के जो प्रभारी की जिम्मेदारी है वो दी गई है। लेकिन इन सबके बीच एक खेल को समझिए कि किस तरीके से जो दबंगई है वो सामने आई है। एक नर्सिंग होम चलाने वाले की प्रभारी बनाए गए हैं मुजफ्फरपुर के, और उनको जिम्मेदारी भी दी गई है कि आप ऐसे नर्सिंग होम को चिन्हित करके उन तमाम चीजों पर एक्शन करवाइए। जिसके बाद से 10 से 15 ऐसे नर्सिंग होम को प्रभारी ने चिन्हित किया, उनको आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद से उस पर कार्रवाई की जो बात है वो करने लगे। लेकिन एक ऐसे ही नर्सिंग होम के जो प्रबंधक कह लीजिए या फिर चलाने वाले कह लीजिए, संचालक कह लीजिए, उनका फोन आता है और फोन करके वो ये कहते हैं कि वो पटना से बोल रहे हैं, सरकारी अधिकारी बोल रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो वो गोली चला देंगे। यानी कि आप दबंगई समझिए किस तरीके से जो अवैध नर्सिंग होम चलाने वाले हैं उनका जो काला कारोबार है वो लगातार फल फूल रहा है, और ऐसे में अगर उन पर नकेल कसने की बात होती है तो वो फोन पर धमकी देते हैं। क्या कुछ ऑडियो सामने आया है, ऑडियो में बेहतर आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से पूरी जो बातचीत है धमकी की वो हुई है। ऑडियो पहले सुनाते हैं। क्या है मोटिव? वहां से पत्र दिए हैं वहां के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के, वहां के स्थानीय थाना में भी वो सूचित किए हैं, मेरे यहाँ दिए हैं कि कोई अपने आप को कह रहा था कि मैं पटना का DTM बोल रहा हूँ, और अगर ये नर्सिंग होम में कार्रवाई आप अगर इसी तरह करते रहे आपको हमला किया जाएगा, आपको गोली मार दी जाएगी, इस तरह से धमकी भरा टेलीफोन आया था। तो मेरे यहाँ से पत्र वहाँ के पढ़ाई के द्वारा आया है, जो यहाँ वरीय पुलिस अधीक्षक के यहाँ मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, ताकि उन पर किसी तरह का अगर भविष्य में कोई खतरा भी हो तो उनके संज्ञान में रहे कि ताकि वो सुरक्षित हो। उक्त नर्सिंग होम को चिन्हित वगैरह किया गया था? तो 12 को नर्सिंग होम को वहाँ चिन्हित किए गए हैं, उसमें वो पत्र में देखें उसमें कोई पर्टिकुलर नर्सिंग होम का नहीं दिया है, केवल दिया है कि यहाँ नर्सिंग होमों पर कार्रवाई आप बंद करें अन्यथा इसका परिणाम। तो ये भी आपने बयान सुना कि किस तरीके से पूरा जो मामला है वो चल रहा है, और अवैध नर्सिंग होम वाले की हिमाकत देखिए कि एक तो अवैध नर्सिंग होम चला रहे हैं और उसके साथ साथ फोन कर वो धमका रहे हैं कि हमारा नर्सिंग होम बंद नहीं होना चाहिए। जरूरत है समय कि प्रशासन भी साथ दे इन तमाम प्रभारियों का, या फिर जो इसमें नियुक्त किए गए हैं मॉनिटरिंग करने के लिए, ताकि वो भी खुद को सुरक्षित महसूस कर सके और इन पर नकेल जो है वो कसा जा सके। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे कशिश न्यूज के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।